हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊं कि यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और ये जितने कारण मैं बताऊंगा उन सभी को मैं एक एक करके और बारीकी से समझाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन में 8 ऐसी नीतियां हैं जिनका अगर आप लोग उल्लंघन करते हो तो आपके चैनल को डिलीट किया जा सकता है या तो आपके वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता है। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की पहली नीति, सेक्सुअल कंटेंट यानी यौन सामग्री। यूट्यूब अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में साफ तौर से यह कह दिया है कि यौन संतुष्टि देने वाली सामग्री को यूट्यूब अनुमति नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी जैसी सामग्री को अपलोड करता है तो उसके वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर देता है और बिना बताए उसके चैनल को भी डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा जो कम्युनिटी गाइडलाइन देखने को मिलता है, वॉयलेंस और रिपल्सिव कंटेंट यानी हिंसात्मक या घृणात्मक सामग्री। यूट्यूब अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में यह साफ तौर से कह दिया है कि ऐसी सामग्री जो किसी को हिंसक या घृणात्मक या किसी को चौंकाती हो या किसी को हिंसक कृत करने के लिए प्रोत्साहित करती हो तो ऐसी सामग्री को भी यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड करने की अनुमति नहीं देता। तीसरा जो कम्युनिटी गाइडलाइन की नीति है, हेटफुल और एबोसिव कंटेंट यानी अभद्र भाषा की नीति। यूट्यूब अपने चैनल पर अभद्र भाषा की अनुमति नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति विकलांगता, जातीयता, धर्म, लिंग से जुड़े हुए अभद्र भाषा के उपयोग करता है तो ऐसे वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर देता है और उसके चैनल पर स्ट्राइक दे देता है। चौथा जो कम्युनिटी गाइडलाइन की नीति है, हार्मफुल और डेंजरस एक्ट यानी हानिकारक और खतरनाक सामग्री। यूट्यूब ऐसी सामग्री की अनुमति नहीं देता जो खतरनाक हो या अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हो, जो गंभीर शारीरिक नुकसान या मृत्यु का जोखिम उठाती हो। यूट्यूब के अगर ऐसी वीडियो प्राप्त होती है तो यूट्यूब उसके चैनल पर एक स्ट्राइक देता है और इसके चैनल की निगरानी रखता है ताकि वह दोबारा वह गलती करे तो भविष्य में उसके चैनल पर स्ट्राइक ना दे, डायरेक्ट उसके चैनल को डिलीट कर दे। छठा जो कम्युनिटी गाइडलाइन की नीति है वो है इंफ्रिंग माई राइट्स यानी मेरे अधिकारों का उल्लंघन। अगर कोई व्यक्ति अपने YouTube चैनल पर किसी और की सामग्री यानी गाने, वीडियो या कलाकृति का उपयोग करता है जिसकी सामग्री वह यूज कर रहा है, उसके अधिकारों का उल्लंघन के तहत कॉपीराइट स्वामी एक टेकडाउन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं और जिसने उसकी सामग्री को कॉपी किए उसके वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर सकते हैं। अतः जो कम्युनिटी गाइडलाइन की नीति है वो है प्रमोटेड टेररिज्म यानी आतंकवाद को बढ़ावा देना। यूट्यूब कहता है कि ऐसी सामग्री जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है या हिंसा कृत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है या ऐसी सामग्री जिसमें हिंसा का कृत बताया गया हो, ऐसी यूट्यूब वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति ऐसी वीडियो को अपलोड करता है तो उसके वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर देता है और उसके चैनल पर एक स्ट्राइक भेजता है। आठवां जो कम्युनिटी गाइडलाइन की नीति है, स्पैम और मिसलीडिंग यानी स्पैम या भ्रमण। यूट्यूब स्पैम, घोटाले या अन्य भ्रमण प्रथाओं की अनुमति नहीं देता। जो यूट्यूब समुदायों का लाभ उठाते हैं यूट्यूब ऐसी सामग्री को भी अनुमति नहीं देता जहां मुख्य उद्देश्य दूसरे को किसी अन्य साइट के लिए यूट्यूब छोड़ने में ट्रिक करता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी वीडियो में टाइटल, थंबनेल में कुछ और बताता है और वीडियो में कुछ और होता है तो वह यूजर को लगता है कि यूट्यूब पर गलत जानकारी दी जा रही, जिसके कारण वह यूजर दूसरे प्लेटफॉर्म में जाता है और अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है, जिसके कारण यूट्यूब की यूजर संख्या कम होती सकती है। अगर कोई व्यक्ति स्पैम और मिसलीडिंग करता है तो उसके वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर देता है या दोहराया उल्लंघन पाया जाने के बाद उसके चैनल को भी डिलीट कर देता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और मिलता हूँ मैं ऐसे ही नॉलेज पूरे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।